हाय फ्रेंड, मैं शेफ कॉर्नेलियस। ये येलो ब्रोकोली कोई खाना नहीं चाहता, उसी ब्रोकोली का आज भुर्जी बनने वाला है। आप इसी ब्रोकोली को खा सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ब्रोकोली का दोनों अलग अलग चॉप करके लेंगे। इसका जो फ्लावर है जल्दी पक जाता है, स्टेम पकने के थोड़ा टाइम लगता है। इसका कलर जितना अच्छा खाने में भी उतना टेस्टी होगा। फुल अनियन चॉप, 4 ग्रीन चिली चॉप, चॉप जिंजर 1/2 इंच, 10 होल गार्लिक 8 चॉप, 1 फुल टोमेटो चॉप, थोड़ा धनिया चॉप, 1 पैन में 2 टेबलस्पून घी, 5 ग्राम बटर, जीरा 1/2 टीस्पून, अभी होल गार्लिक डाला, फिर थोड़ा टाइम भुनेंगे। थोड़ा भुनने के बाद इसमें डालेंगे अब डालेंगे चॉप गार्लिक, चॉप अदरक, थोड़ा टाइम इसको अच्छे से भुनेंगे। अब मैं डाला चॉप अनियन, हम इसको भूनेंगे जब तक लाइट ब्राउन ना हो जाए। अभी अनियन लहसुन सब लाइट ब्राउन हो गया, इसमें डालें कश्मीरी रेड चिली, तीखा रेड चिली, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर 1/1 चम्मच, चाय चम्मच। अभी इसमें सब मसाला डाल दिए, इसके बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। अब मसाला को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मसाला को अच्छे से भुनेंगे, थोड़ा से तेल छूटने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़ा पानी। पानी डालने के बाद इसको अच्छे से भुनेंगे, इसको पानी रिड्यूस करेंगे, थोड़ा सूख जाएगा। तो आप डालेंगे मैं ब्रोकोली का स्टेम, जो थोड़ा पकने को टाइम लगता है। थोड़े देर पकाने के बाद इसमें अब हम डालेंगे चॉप टमाटो, चॉप ग्रीन चिली, ब्रोकोली स्टेम्स ऑलमोस्ट पक गया। अब हम ऐड करेंगे चॉप ब्रोकोली फ्लावर, इसको अभी अच्छे से हम भुनेंगे थोड़ा टाइम। सबको अच्छे से मिक्स करें और 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा के लो फ्लेम में रख लीजिए। 5 मिनट के बाद देखिए कितना बेहतरीन कलर, कितना खूबसूरत लग रहा है। किसी को पता भी नहीं चलेगा जो हम पीला ब्रोकोली से एक भुर्जी बनाए हैं। 1/2 टीस्पून कस्तूरी मेथी, ग्रीन चिली, उसके बाद कोरिएंडर लीव्स, चॉप धनिया, देखिए कितना कलरफुल लग रहा है। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट तो जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए अब प्लेटिंग करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अब प्लेटिंग हो गया, इसमें डालेंगे गार्निश चॉप को और 1 टेबल स्पून घी डाल के इसको फिनिश करेंगे।